हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ऑयली स्कैल्प की रेमेडी, जो आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों से ऑयल बहुत ही ज़्यादा कम निकलेगा। आप कह सकते हैं कि वन वॉश में आपका ऑयल कंट्रोल हो जाएगा। सेकंड, आपकी यही रेमेडी आपकी स्किन के लिए भी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगी। आप कह सकते हैं कि आप अपने चेहरे पर लगा के अपने रिंकल्स को कम कर सकते हैं। तो कौन सी रेमेडी है जिससे आपका ऑयली स्कैल्प है वो भी कंट्रोल होएगा, और अगर आपके आपके फेस पे बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिंकल है या स्किन टाइट नहीं है तो उसके लिए भी ये रेमेडी यूज़फुल है। तो उसके लिए आपको चाहिए क्या, 1 egg और 1 lemon। तो आपको इसको बनाने के लिए करना क्या है, आपको एग वाइट लेना है, येल्लो पार्ट नहीं लेना। लेकिन ये थोड़ा सा बाउल में गिर गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इसको भी थोड़ा सा यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 lemon। अगर फेस पे लगाना है तो आप 1-3 drop डालेंगे, लेकिन हमको ये हेयर में लगाना है तो हमको 1/2 lemon लेना है अपने हेयर के अकॉर्डिंगली। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप 2 white egg and 1 lemon यूज़ करेंगे, लेकिन मेरे को अपने स्कैल्प में यूज़ करना है तो मेरे लिए 1 egg सफिशेंट है। तो आप इसको अच्छे से मिक्स करने हैं। आपको अच्छे से मिक्स करेंगे ही तो आपका लेमन और एग दोनों अच्छे से मिक्स होके ये एक ऐसे सिंगल सिंगल आपका लेमन आपका बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए, आपका लेमन से अलग ना हो। देख सकते हैं आप रेमेडी कुछ इस तरीके से दिखाई दे रही है। तो अब हम इसे अप्लाई करेंगे। पहले हम इसको अपने फेस पे अप्लाई कर लेंगे ताकि हमको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाए अपने फेस पे लगाने के लिए। अब इसको हल्के हैंड से ऐसे मसाज करेंगे और इसको अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपकी स्किन इसको लगाने के बाद बहुत ज़्यादा खिंची खिंची आप कह सकते हैं टाइट हो जाएगी, तो जिससे रिंकल की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं रिमूव होते हैं। और एग में प्रोटीन होता है तो यह हमारी स्किन में बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हैं बेनिफिट देते हैं। लेमन से हम उसमें एसिडिक होता है तो वो हमारे स्किन के जितने भी दाग धब्बे होते हैं उनको हटाने में मदद करता है। अब हम इसको अच्छे से अपने हेयर में अप्लाई कर लेंगे। आपको अच्छे से अप्लाई करना है, आपका कोई वो रूल नहीं है कि आपको कैसे अप्लाई करना है, आप जैसे मर्जी इसको अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस आपको अपने स्कैल्प पे देनी है क्योंकि हमारा स्कैल्प ज़्यादा ऑयल निकालता है तो उसकी वजह से हमारे पूरे हेयर ऑयली हो जाते हैं। तो आप सिंपली अपने बालों में अच्छे से स्कैल्प में इसको लगा लें, थोड़ा सा मसाज करते हुए लगाएंगे, देन आप उसके रूट्स तक आएंगे। आप इसको अच्छे से अप्लाई कर लेंगे, जैसे आपको अप्लाई करना है आप वैसे अप्लाई कीजिए अपने हेयर में। आपको इससे अच्छा मसाज नहीं करनी है, बस इसको अप्लाई करना है। अप्लाई करके अपने बालों को टाई कर लें अच्छे से। अब आपको ये अपने बालों में सिर्फ 30 minutes के लिए रखना है, या आप 20 minutes रख सकते हैं। उसके बाद आप इसको किसी भी शैम्पू से अपने शैम्पू से जो आप रेगुलर बेस में यूज़ करते हैं उससे अपने बालों को वॉश कर लें। इससे आपके बालों में कोई ऐसी स्मेल नहीं आएगी, लेकिन आएगी भी तो आपको अपने बालों में से जो भी प्रॉब्लम है वो रिमूव करना है तो थोड़ा सा सहन करना पड़ेगा। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।